नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में खड़े हैं और जाहिर है आप जानते हैं क्यों खड़े हैं, नहीं जानते तो बता देते हैं। महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का मंच सजा है और महाराणा प्रताप की स्मृति समारोह हो रहा है। राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है और इसके जो कह सकते हैं कर्ता धरता हैं वो जेडीयू के कद्दावर नेता मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह हैं। लंबे वक्त से इसकी तैयारियां चल रही थी, हम लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तैयारियां आपको दिखाते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इस तरह का तोरण द्वार बनाया गया है और जेडीयू ऑफिस के ठीक बगल में ये जगह है। तमाम तरह की तस्वीरें लगाई गई हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस बैनर लगाया गया है, पोस्टर लगाया गया है और आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, संजय सिंह जाहिर है कर्ता धरता रहे हैं इस आयोजन के, पूरे बिहार का दौरा किया था उन्होंने। और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वीआईपी गेस्ट के बैठने की व्यवस्था की गई है। नीतीश कुमार का कटआउट लगा हुआ है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं नीतीश कुमार का कटआउट लगा हुआ है और तमाम तरह की यहाँ पर वीआईपी गेस्ट बैठने की व्यवस्था की गई है इस आयोजन में। मंच के पास आपको लेके चलते हैं, मंच के पास क्या स्थिति है, कैसा मंच सजा है, लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तैयारी की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने हम सब, तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं इस तरह का मंच सजा हुआ है। ये वो मंच है जिस पर तमाम नेता बैठेंगे इस आयोजन के जरिए, मंच की तरफ हम आपको ले चलेंगे। यही वो मंच है जहां पर तमाम नेता बैठेंगे, संजय सिंह होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और तमाम बड़े नेता होंगे, इस आयोजन से जुड़े हुए तमाम लोग होंगे जो इस मंच पर नजर आएंगे। इस मंच पर भाषण चल रहा है, सामने मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। तो ये वो तमाम तस्वीर है जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है और इस आयोजन से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।